आवाज आ रही है? प्रणाम जी सर। सर। ज्योति, ये बहुत दिन बाद तुम क्लास ज्वाइन कर रही हो, कहाँ थी अब तक? सर कल भी ज्वाइन किए थे सर, अरे कल, अच्छा। मोबाइल खराब था मेरा। जी सर। और दीपक, तुम्हारे साथ क्या हो गया था? सर मैं बुखार में था सर, वैसे ही बुखार था और एग्जाम देने गया तो वापस फिर से लौट आया। अच्छा, एग्जाम बढ़िया हुआ? अच्छा, जी सर करके तो आए। ठीक है, आगे चलिए। कहाँ तक लिख लिया था अर्जिता? अर्जिता, आवाज जा रही है? रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन में सामान्य विषयों की गतिविधियों के रूप में आवाज नहीं आ रही थी। सर, रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन में सामान्य पुरुषों की गतिविधियों के रूप में, तो ये लाइन इनकम्प्लीट थी। नहीं, ये तो पूरा करा दिया था हमने लगता है। नहीं सर, नहीं, ये सेंटेंस यहां तक हमने पूरा करा दिया था इतना मेरे ही हिसाब कराया से। आप बताओ, फिर से बताओ, कौन सी उसका बता रहे थे? ये लिखाया था ना, 2005 की तांबे और पीतल की बेल्डेड मूर्ति कला तेंदुए। नहीं, ये नहीं था। सर। सर लिखा था नंदा गोपाल जी अपनी मूर्तियों के लिए द फिशरमैन और संगीतकार जैसे सामान्य लोगों को चित्रित करने के लिए अपनी मूर्तियों को चमकदार सतहों का उपयोग करते हैं, जो आपके अपने प्रयासों के संदर्भ में नए अर्थ प्राप्त कराते हैं करते हैं। रोजमर्रा के ग्रामीण जीवन में सामान्य पुरुषों की गतिविधियों के रूप में, सामान्य पुरुषों की गतिविधियों में, है ना? जी सर। मैं, ऐसा लगता है कि हमने आगे भी लिखा दिया था, 1990 के, उन्नीस इसी के आगे सौ कंटिन्यू नब्बे करें। हाँ 1990 के दशक। उन्नीस सौ नब्बे के दशक के बाद, 1990 के दशक के बाद उन्नीस सौ नब्बे के दशक के बाद से आपकी आपकी कलात्मकता मूर्तिकला की सार्वजनिक प्रकृति के मूर्तिकला की सार्वजनिक प्रकृति के मूर्तिकला अपने अन्वेषणों अपने दीपक, आपका माइक ऑन है। अपने अन्वेषणों
वैष्णो में पाई। पाई गई है। उन्होंने इस काल की मूर्तियों में उन्होंने अपने इस काल की मूर्तियों में सामूहिक स्मृतियों को लगातार लगातार प्रस्तुत किया। द फिशरमैन फिशरमैन मतलब उसी के उसमें चल रही थी। दिया ना लिखो, इसका आगे लिखो। आकम क्या अकम 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 का मतलब जो इंटरनली या जो इस तरीके की चीजें हैं उससे रिलेटेड है, आंतरिक। और पूरम मतलब जो बाहरी है। अकम को प्रेम से और उसको युद्ध से भी देख सकते हैं, या बाहरी गतिविधियों के हिसाब से। कविता और कलात्मक अभिव्यक्तियों की, कविता और कलात्मक अभिव्यक्तियों की शास्त्रीय तमिल वर्गीकरण, शास्त्रीय तमिल वर्गीकरण प्रणाली में वर्गीकरण प्रणाली में आपकी मूर्तियों को, या ब्रैकेट में नंदन गोपाल लिख लेना, आपकी मूर्तियों को पूरम में रखा जाएगा। पूरम में रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा पूरम ये क्या होता है? मतलब ये एक वर्गीकरण है जो तमिल का कलात्मक और काव्यात्मक साहित्य का जो वर्गीकरण है, जिसमें जो आंतरिक प्रक्रियाएं या जो अंतःमन की जो स्थितियां होती है उसको अकम, और जो पूरम जो बाहरी बाहरी स्थितियां हैं, बाहरी दुनिया है, उसको पूरम के नाम उससे करते हैं। तो उसी वर्गीकरण में जिस तरीके से जो आइकनोग्राफी तमिल में बनी है, या उस तरीके की जो चीजें हैं उनके आधार पर जो वर्गीकरण है, उसमें जो इनकी अगर स्कल्पचर्स को देखेंगे तो वो पूरम में है, यानी उनके ऊपर जो है सब बाहरी प्रभाव है, बाहरी दृश्यात्मक प्रभाव है। ठीक है। पूरम कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए पूरम कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जबकि कौशल जबकि कौशल की महारत सार्वजनिक प्रदर्शन शैली के
लोकाचार के अनुरूप है, कि लोकाचार के अनुरूप है। महाराज महारथ शैली के भारत शैली के, भारत आपने बोला ना कौशल का को सार्वजनिक प्रदर्शन, भारत का सार्वजनिक प्रदर्शन शैली मतलब जो उन करने का तरीका है, के लोकाचार के अनुरूप है। शायद इसी वजह से शायद इसी वजह से शायद इसी वजह से आपने एक चक्र पर, आपने एक चक्र पर आपने एक चक्र पर आपने एक चक्र पर कलाबाज, कलाबाज एक कलाबाज प्रस्तुत किया है। अपनी यादों में, अपनी यादों से या अपनी यादों में जो उन्होंने देखा था, जो अब तक जो उन्होंने वहां के स्कल्पचर्स को और ये सारी चीजें जो पौराणिक थी उनको देख के जो चीजें उन्होंने अनुभूत की थी, जो उनका जो अनुभव था, देखने का जो नजरिया था, उसके आधार पर जान पशुओं और मनुष्यों के पशुओं और मनुष्यों के पशुओं और मनुष्यों के साथ को महान भव्यता और विस्मयकारी विवरण में महान भव्यता और विस्मयकारी विवरण में प्रस्तुत करते हैं। सर महान भव्यता की बात हो रही है। महान भव्यता और विस्मयकारी विवरण में प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अगर हम दक्षिण के शिल्प की बात करें तो ज्यादा जो उसमें अलंकारिकता है, जो उसका मापदंड है, जो उसका बाहरी स्वरूप है, ये सारी चीजों को वो बचपन से देखते आए, अनुभूत करते आए, अपने गुरुओं का मार्गदर्शन उनको मिलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप जो उनकी सोच थी, जो अलंकारिक भाव थे, वो सारी चीजें जो हैं वहां पर, वहां से उन्होंने आत्मसात की और अपने सृजन में उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, जो एक अनोखी प्रस्तुति थी जो आधुनिकता की तरफ लेके जाती है। लेकिन अगर हम उसको देखें तो उसमें कहीं ना कहीं वो पौराणिक तथ्य मौजूद हैं, या उनका अवलोकन और उससे जो निचोड़ निकला है वो चीजों को उन्होंने अपने स्कल्पचर में इंक्लूड किया और उसको एक
ऑर्नामेंटल डिटेल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जो बाद के कामों में वो धुरी नुमा जगह से निकलती हुई और पूरे क्षेत्र में, यानी जो स्पेस था जिसमें अलग अलग स्पेस होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, उसमें वो विस्तृत होती रही और बड़ के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के, मतलब जो स्मारकीय उनके स्कल्पचर के रूप में आई, जो हमने भी इससे पहले लिखा दिए हैं। तो मतलब यहाँ पर जो जो उनका कॉन्सेप्ट था वो पूरा दक्षिणी शैली के जो शिल्प थे, जो कि पूरी तरीके से यूनिवर्सल थे हर जगह, उनकी जो पीछे की पौराणिक डिटेलिंग थी, यानी जो काव्यों में या कथा कहानियों में लिखा, कथाओं में या पुराणों में लिखा हुआ था, उनके आधार पर जो वो स्कल्पचर्स वहां पर बने थे, उन्हीं से सारी चीजें लेके, लेकिन उसमें अपनी आधुनिकता का, अपना एक नए मटेरियल का, और उसको किस तरीके से उसको अरेंज करके एक नए रूप, एक नए आधुनिक स्वरूप में ढाला, ये उसी चीज के बारे में है कि उन्होंने जो वहां प्रस्तुतिकरण किया था, तो उसमें मनुष्य और पशुओं के बीच का जो उनका रिलेशन है, जिस तरीके से वो जो आपस में चीजें हैं, उन चीजों को उसी भव्यता और क्या कहते हैं विस्मयकारिता से प्रस्तुत किया। साउथ के स्कल्पचर्स देखे हैं दीपक, ज्योति, जी देखे हैं? कौन ज्यादा, कौन सा है जो बहुत पसंद है, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है? मतलब सबकी राय अपनी अलग अलग हो सकती है। जी सर सर वो उस तरफ क्या कहते हैं होयसलेश्वर टेम्पल है, और क्या कहते हैं ये अपना बृहदेश्वर टेम्पल है, इन क्या सब खासियत है टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल की? जी सर। क्या खासियत है बृहदेश्वर टेम्पल की? सर बृहदेश्वर टेम्पल में क्या सर, इसको सर ये काफी विशाल मंदिर है, ये तमिलनाडु में। महाबली, महाबलीपुरम का जो देखा है, हाँ सर रथ टेम्पल देखे हैं, पंच पांच मंदिर भी देखे हैं, द्रौपदी और इसमें एक काष्ठ पत्थर से बने हुए हैं, और सर उसमें गंगा डिसेंट में का भी काफी आकर्षक मूर्ति शिल्प बना हुआ है। पत्थर पे काट के किया हुआ जी सर है, वही सारा जो उनका जो अलौकिक स्वरूप है, वो इनका मतलब उसी तरीके के परिवेश में थे, वो चीजें, वो जैसे हम बचपन में जो चीजें देखते हैं, वही चीजें हमारे साथ आत्मसात होती है, फिर उसके साथ हम अपने समय के जो अनुभव हैं उनको जोड़ के एक नए स्वरूप का सृजन करते हैं, वो चीजें अलग जी हो जाती हैं। आगे लिखो। आप अपने एक साक्षात्कार में, आपने अपने एक साक्षात्कार में कहा, कहा था, व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है मुझे लगता है कि कला को, कला को किसी न किसी तरह से, कला को या ऐसे कर लो कि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कला किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में
आपकी विरासत को, आपकी विरासत को किसी न किसी तरह से आपकी विरासत को प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित करती है। गुंटर ग्रास ने एक बार टिप्पणी की थी टिप्पणी की थी कि वह जर्मन इतिहास के वे जर्मन इतिहास के 1000 साल के एक हजार साल के एक हजार साल के ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना ज्ञान के बिना द टिन ड्रम कभी नहीं लिख सकते थे। फ्रांस में 60 के दशक में फ्रांस में 60 के दशक में कुछ कलाकारों द्वारा कुछ कलाकारों द्वारा कुछ कलाकारों द्वारा सेलिटिक मिट्टी को महसूस करने और अपनी जड़ों तक द्वारा सेलिटिक मिट्टी को महसूस करने और अपनी जड़ों तक पहुंचने के लिए और अपनी जड़ों तक पहुंचने के लिए एक आंदोलन किया गया। जड़ों तक पहुंचने के लिए खुद को शामिल करने के लिए एक आंदोलन किया गया। एक आंदोलन किया गया। जो उन्हें जो उनको उनके जीवन से जो उनको उनके जीवन से तेजी से जीवन से जीवन से तेजी से अदृश्य अदृश्य कर रहा हो काया कर रहा हो कर रहा हो
अपने शब्दों के प्रति वफादार कोट बंद कर लेना, ये मतलब उनका कहा वो चीज है कि मतलब वो ये कहना चाहते थे कि एक समय ऐसा था जब लोगों ने मतलब खुदाई की और उस मिट्टी में अपनी जड़ें तलाशी, जहां पर उस उनका जो अस्तित्व था, जो समाप्ति की ओर था, वो अपने को ऐसा जानने लगे थे कि उनका जो अस्तित्व है वो अदृश्य हो सकता है, मतलब वो चीजें समाप्त हो सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपने पास्ट को देखते हैं, अपनी चीजों को जो हमारे पहले से विद्यमान है, उन चीजों के बिना जो हमारी मतलब धरोहर है, उनके उनको देखे बिना, उनको जाने बिना हम आगे के काम नहीं कर सकते। इसलिए वो चीजें जो है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट, जैसे इन्होंने शुरू में भी ये कहा था कि हम जो आर्ट है, आर्ट से ही आर्ट का जन्म होता है, मतलब जब हम आर्ट देखते हैं तो ही हम आर्ट क्रिएट करते हैं, ऐसा जब ध्यान होगा अगर लिखा होगा इससे पहले। तो उसी संदर्भ में कि जब हम चीज जो हमारी धरोहर है उनका जब हम अवलोकन करते हैं तो उनसे ही हम चीजें सीखते हैं और उससे प्रेरणा पाकर हम नए काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो उसी के संदर्भ में ये इन्होंने बात यहाँ पर कही हुई है, अपने शब्दों के प्रति वफादार। शब्दों के प्रति वफादार नंद गोपाल जी ने भारतीय विरासत और इसकी संवेदनाओं और इसकी संवेदनाओं की आधुनिकतावादी अभिव्यक्ति के रूप में, इसकी संवेदनाओं की आधुनिकतावादी अभिव्यक्ति के रूप में अपनी मूर्तियों का अपनी मूर्तियों का निर्माण किया, अपनी मूर्तियों का निर्माण किया, चाहे वह घंटी के शीर्ष कृष्ण का एक छोटा खिलौना हो या मूर्तिकला का एक खिलौना खिलौना हो या खिलौने टाइप का एक आभूषण, मतलब उसमें छोटे से कृष्ण का जो उन्होंने रूप दिया उसके लिए, कि मतलब एक छोटा स्वरूप हो और चाहे उसका जो वो उनका स्मारकीय स्वरूप था वृक्ष, चाहे वो हो, तो दोनों ही रूपों में जो उनकी आधुनिकता है और उसके साथ जो उसका पौराणिक सामंजस्य है, जो पौराणिक कथनांक ना होकर एक नई अनुभूति के आधार पर एक नए सृजन का निर्माण करता है, जो आधुनिकतावादी से ओतप्रोत है, जिसमें मटेरियल का यूज नए तरीके से है, किस तरीके से जो वो स्मारकीय चीजें थीं जो पहले के स्थापत्य में बनी, जो पत्थरों के माध्यम से बनी, उनमें किस तरीके से उन्होंने धातु का समावेश करते हुए एक नए तरीके के ऑर्नामेंटल स्टाइल क्रिएट की, जिसमें उन्होंने तारों को, ये सारी चीजों को जो उनके गुरु पीवी जानकी रमा जी लोगों से उन्होंने सीखी थी, उसका अपने स्वरूप में करके और अपने तरीके से अपनी विचारों की शक्ति के माध्यम से एक नए सृजन को
अभिभूत किया उसी के संदर्भ में है। जब पूरा सेंटेंस होता है तभी बात समझ में आती है, तो सुनने से पहले ही बीच में बोल देती हो तो कैसे लिखोगी सही। छोटा खिलौना हो या मूर्तिकला का एक बड़ा, छोटा खिलौना हो या मूर्तिकला का एक बड़ा स्मारकीय, बड़ा स्मारकीय और परोपकारी वृक्ष हो, स्मारकीय और परोपकारी वृक्ष हो। आपको आपको सन 1970 में आपको सन 1970 में ललित कला एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। सन 1978 में भी आपको ललित कला एकेडमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। सर 1978 में पुरस्कृत किया गया ललित कला एकेडमी द्वारा। एक बार 70 में किया गया 1900, फिर दूसरी बार 1978 में। फोर्थ इंटरनेशनल ट्रिनाले नई दिल्ली में आपको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। जिंदल स्टेनलेस स्टील अवार्ड फॉर स्कल्पचर। सर कौन सा गोल्ड मेडल में 1978 में फोर्थ इंटरनेशनल त्रिनाले नई दिल्ली द्वारा आपको स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।
जिंदल स्टेनलेस स्टील अवार्ड फॉर स्कल्पचर। जिंदल स्टेनलेस स्टील अवार्ड फॉर स्कल्पचर 2002 में आपको पुरस्कृत किया गया। आपको सन 1980 में आपको सन 1980 में होमी भाभा फेलोशिप फेलोशिप प्राप्त हुई। सर कोमी ढाबा तुम्हें कुछ अलग ही सुनाई देता है। होमी भाभा होमी भाभा क्या है दीपक? सर जहांगीर होमी भाभा वैज्ञानिक थे। आवाज साफ सुनाई दे रही थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं थी? नहीं सर। ज्योति तुम्हारे स्पीकर में प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, तुम्हारी आवाज सही से स्पष्ट आती नहीं या नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है। अभी लिख लिया तुमने ज्योति? जी सर। क्या लिखा? कोमी भाभा। देखा अभी भी गलत लिख रहे हो, शायद हम प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे सही से क्या? नहीं नहीं सर, मुझे सुनने में दिक्कत हो रही है। होमी होमी हा होमी भाभा। जी सर लिख लिया। ठीक है। सन 1985 में सन 1985 में सन 1985 में आपको आईसीसीआर के द्वारा ब्रिटिश काउंसिल ट्रेवल ग्रांट प्राप्त हुई। और सन 1990 में 1990 भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप सीनियर फेलोशिप प्राप्त हुई। आपके दो पब्लिकेशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में
प्रदर्शित हुए जो निम्नवत हैं, द मद्रास मेटाफोर 1993 और द एल्जेब्रा ऑफ फिगरेशन FIGURATION द एल्जेब्रा ऑफ फिगरेशन 2000 आपको नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA न्यू दिल्ली नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA कुछ लोग इसे नगमा भी कहते हैं न्यू दिल्ली के एडवाइजर के लिए भी नामित हुए अप्रैल 14 अप्रैल 2017 में नंद गोपाल जी का देहावसान हुआ। ज्योति, इनका देहावसान कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में सर। न्यू दिल्ली में कैसे? इतने कॉन्फिडेंस के साथ में कैसे आंसर दे दिया? क्या सोचा पीछे? अर्जिता, सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हैं? सर क्या पूछा आपने? कहाँ थी? क्लास में ही थी ना। हाँ सर। तो फिर प्रश्न नहीं पता? हम कह रहे हैं कि नंद गोपाल जी का स्वर्गवास जो 2017 में हुआ तो किस जगह पे हुआ? इनके पिताजी ने क्या किया था? चोल मंडल की स्थापना है? सभी के लिए प्रश्न है, जिसको भी उत्तर आता हो तो वो बता सकता है। सर चोल मंडल की स्थापना करी थी ना उन्होंने। सर चोल मंडल की स्थापना करी थी ना उन्होंने। हाँ, KCS तो जोर से बोला करो, आवाज स्पष्ट नहीं आती है। हमारी जा रही है ना सही से? जी सर। तो मद्रास बाद के समय में ये चोल मंडली चले गए, क्योंकि इनका इनका भी जुड़ाव जो था वहां से ज्यादा था, जैसा भी बीच में हमने लिखा भी है इसके बारे में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? दीपक सर, KCS पाणिकर। तो उन्होंने चोल मंडल की स्थापना की, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का था और वहीं पे ही सारी चीजें उस घरेलू परिवेश में चलती थी, सारे लोग रहते भी थे, वहीं काम भी करते थे।
उस चीज से ये भी बहुत अभिभूत थे, ये भी वहां पर अपना बात वहां पे अपना स्टूडियो बनाया, वहां काम करते रहे और जो है वहीं पे कार्य करते हुए इनका निधन हो गया था। तो ये जो चोल मंडल है कहाँ पर है? मद्रास। मद्रास में है पक्का? मद्रास में क्या क्या आता है सर? चेन्नई का पुराना नाम था वो। नया नाम चेन्नई है, पुराना नाम मद्रास है। और कर्नाटक कहाँ पड़ता है? सर कर्नाटक साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में। तो तुम्हारे हिसाब से जो है मतलब ये चोल मंडल जो है वो चेन्नई में है। जी सर। ठीक है। तो ये आज एस नंद गोपाल जो है समाप्त हो गए। अब हम लोग के जो नेक्स्ट हैं वो सुतार जी हैं, तो वो हेडिंग डाल लेना नेक्स्ट अंश उसको लिखाते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही? जी सर। एक इसमें शब्द था ज्योति, विस्मयकारी, उससे क्या तात्पर्य था? सीमांगी शिवांगी, प्रियंका, यस सर। ये विस्मयकारी से क्या मतलब है? नहीं पता सर। गार्गी, सर मतलब इसमें ये कि जो वो एनिमल्स और ह्यूमंस को वो दिखाते थे अपने कल्चर में, तो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही मतलब अद्भुत रूप से दिखाते थे, बहुत ही अलग रूप से। हमने सारे पर्यायवाची इस्तेमाल कर लिए, हम पूछ रहे हैं विस्मयकारी क्या होता है। सर मतलब यहाँ पे तो इनका यही मतलब है ना कि विस्मयकारी मतलब बहुत ही कुछ अचंभा वाला या कुछ बहुत ही क्रिएटिव। जी सर। अब विस्मयकारी का सर, विस्मयकारी का मतलब होता है सर कि मन में एक अजीब सा रोमांच और आश्चर्य का भाव उत्पन्न कर देना। अब जैसे जब हम शुरू शुरू में मतलब जब हम बचपने में होता, जैसे आज तो हम बहुत सारा चलचित्र भी देखते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी देखे और बहुत सारी चीजों से परिचित होते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज से पहली बार साक्षात्कार कर रहे होते हैं जो अद्भुत स्वरूप जो जिसको हम देखते हैं, तो उससे हम विस्मित हो जाते हैं। मतलब उसको देख के हम अचंभे में पड़ जाते हैं, हमारे अंदर एक अजीब सा। अब जैसे हम जब छोटे होते हैं हम चिड़ियाघर घूमने जाते हैं, तो चिड़ियाघर में हम बड़े बड़े जानवर देखते हैं और उसको देख के बहुत मतलब अभिभूत रहते हैं, अचक्के से रहते हैं कि ये इतना इतना विशाल इतना ये। उस चीज से यानी विस्मयकारी, यानी जो चीजें हमको क्या कर दे, विस्मय में डालते हैं। ठीक है। प्रियंका। यस सर। नहीं, एक प्रियंका भी और दिखाई दी थी। हाँ सर, दूसरी भी आ गई है। हाँ, तो प्रियंका तुमको क्या समय का पता नहीं था? जब समाप्ति की हो गई तो तब आ रही हो। प्रियंका पाल, प्रियंका आवाज नहीं जा रही?
ठीक है, तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में सुतार जी के बारे में लिखेंगे और उनकी कलाकृतियों के बारे में, और इनकी जितनी भी कलाकृतियां हैं हम नाम के साथ में ग्रुप में डाल देंगे, मतलब उनका टाइटल और वो इमेज। तो अपना चाहे तो उनकी एक अपना इंडेक्सिंग बना लेना कि ये शिल्प इस समय में हुए और कौन से थे, तो और स्वरूप समझ में आएगा कि किस तरीके से वो अलंकारिक, किस तरीके से उनको केंद्रीय से विस्तार की बात चल रही है, तो वो चीजें और स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। ठीक है जी सर, तो फिर कल इसी समय मिलते हैं जी। नमस्ते सर।